कैनेडा के प्रधानमंत्री ने अपने सारे अंतरराष्ट्रीय भाईवाल एक चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर वे देश भी इस तरह के नाल अंतरराष्ट्रीय कानूनों की उलंघना कर सकते हैं तो यह सारी दुनिया के लिए बड़ा ही खतरनाक है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जिमें ही उन्होंने ये पता लग गया कि कैनेडा की धरती से एक कैनेडा के ही नागरिक का कतल होया तो ये भारत के एजेंटा की शमूलीयत है तो उन्होंने कहा कि असी तुरंत भारत नाल संपर्क किया इस मामले के लिए सहयोग करने की मांग की। जिथे एक पासे लोगों ने बड़े चाव से धूमधाम के नाल तेल के दीवे बाल के खुशियां की दिवाली मनाई उत्थे ही पंजाब के जिहड़े बेरोजगार ETT अध्यापक ने इन्होंने अपना खून कढ़िया अपने खून के दीवे पाले तो काली दिवाली मनाई। नाल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ तो पंजाब सरकार के खिलाफ इन्होंने अपना रोस प्रगटाया अपने खून के दीवे पाल के। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी कमेटी तो होर सारिया सिख जथेबंधियां इन्हों संदेश दिता है कि समूह बंदी सिंघां की रिहाई ली ते खास करके भाई बलवंत सिंह राजवाणा की फांसी की सज़ा नू उम्र कैद दे विच तब्दील कराने लई जो भी गतिविधियां कीतियां जा रही ने जिन्ने भी यतन किए जा रहे हैं उन्होंने होर तेज़ किया जाए ताकि जल्दी तो जल्दी ना बंदी सिंघां की रिहाई करवाई जा सके। भाई बलवंत सिंह राजवाणा उन्होंने की फांसी की सज़ा नू उम्र कैद दे विच तब्दील करवाया जा सके। खबरनामा में तुहाडा सारिआं दा बहुत स्वागत है, मैं गुरप्रीत कौर। कैनेडा ते भारत दे संबंधां दे विच एक बार फिर तो तलेड़ पै गई है। यह मामला मठा होण ही लगा सी कि कैनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर तो भारत ते इल्ज़ाम लाए ने। इस बार उन्होंने इल्ज़ामां ते पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि साढ़े कोल गंभीर कारण ने यह मनण दे कि कैनेडा की धरती ते जिहड़ा भाई हरदीप सिंह निज्जर का कतल होया सी उस दे विच भारत दे एजेंट की शमूलियत सी। उन्होंने इस बार ये जिहड़े इल्ज़ाम भारत ते लाए सी उन्हां दी पुष्टि कीती ते नाल नवी दिल्ली ते एक बार होर इल्ज़ाम लाया कि जिहड़ा उन्होंने एक सख्त कार्रवाई की कि 40 साढ़े डिप्लोमैट्स जिहड़े भारत तो जिन्हां नूं बाहर जाण लई कहा गया ये वियाना कन्वेंशन की उलंघना है, ये भी उन्होंने दोष लाया। नाल दे नाल उन्होंने अपने जिहड़े भी अंतरराष्ट्रीय भाईवाल ने कौमांतरी कैनेडा दे उन्हां कोलों सहयोग भी मंगया, मतलब मदद भी मंगी है। इस दे नाल ही कैनेडा दे प्रधानमंत्री ने अपने सारे अंतरराष्ट्रीय भाईवालों नूं एक चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर वड्डे देश भी इस तरह के नाल अंतरराष्ट्रीय कानूनों की उलंघना कर सकते हैं तो यह सारी दुनिया के लिए बड़ा ही खतरनाक है। ओटावा दे विच पत्रकारां नाल गलबात करदियां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जिवें ही उन्होंने ये पता लग गया कि कैनेडा की धरती से एक कैनेडा के ही नागरिक का कतल होया तो ये भारत के एजेंटा की शमूलीयत है तो उन्होंने कहा कि असी तुरंत भारत नाल संपर्क किया इस मामले के सहयोग करने की मांग की। इस तो इलावा फिर वो अंतरराष्ट्रीय कानून ते लोकतंत्र की प्रभुसत्ता की इस गंभीर उलंघना बारे अमरीका कोल भी गए तो उन्होंने जिहड़े होर सहयोगी दोस्त मित्र ने देश उन्हां कोलों भी उन्होंने सहयोग मंगया। दिवाली का त्यौहार बीत गया है तो सारे आपो अपने कामों नूं परत आए ने। जिथे एक पासे लोगों ने बड़े चाव ते धूमधाम के नाल तेल के दीवे बाल के खुशियां की दिवाली मनाई उत्थे ही पंजाब के जिहड़े बेरोजगार ETT अध्यापक ने इन्होंने अपना खून कढ़िया अपने खून के दीवे पाले तो काली दिवाली मनाई। नाल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ तो पंजाब सरकार के खिलाफ इन्होंने अपना रोस प्रगटाया अपने खून के दीवे बाल के। ये मामला संगरूर जिले का है जिथे बेरोजगार ETT पास 5994 अध्यापकों ने कथित तौर पर अपने खून के दीवे बाले तो इन्होंने काली दिवाली मनाई तो पंजाब सरकार के खिलाफ रोस प्रगटाया। इतों ये पता चलता है कि नौकरियां ना मिलन करके जिहड़े पंजाब के ये नौजवान ने जिन्हें भी ये 5994 अध्यापक ने यह इस कदर मजबूर हो गए ने कि इन्हां दी इन्नी सुनी नहीं जा रही। ये अपनी गल जो नेता ने जो वड्डियां कुर्सियां ते बैठे ने उन्हां तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण लई इन्हां नूं अपना खून कढ़ना पै रहा, इन्ना दर्द झलना पै रहा। इस कदर बेरोज़गारी का जिहड़ा विषय इन्ना इशू पंजाब दे विच फैलिया होया। संगरूर दे सिविल हस्पताल कॉम्पलैक्स दे विच पिछले 25 दिनों तो
दो बेरोजगार अध्यापक पानी वाली टैंकी ते चढ़े हुए ने ते ए मांग कर रहे ने कि इन्हां दी सुनी जावे। इन्हां ने चेतावनी दित्ती है कि जे पंजाब सरकार ने इन्हां दी ना सुनी तो ये अपना संघर्ष होर तिखा करनगे ते इस तो भी वड़े वड़े एक्शन लैणगे। ते इसे सिविल हस्पताल दे विच इस टैंकी दे थले इन्हां बेरोजगार अध्यापकां ने खून दे दीवे बाले ते काली दिवाली मनाई। तो इस मौके जिहड़े ईडीटी अध्यापक सी उन्हां दे नां ने सुरेंद्र पाल गुरदासपुर ते बलविंदर काका। इन्हां ने दस्या कि इन्हां दे समेत होर भी बड़े ज़्यादा अध्यापक ने नाम लिखे हुए ने, सुरेंद्र बोहर, गुरप्रीत, दीपक, अनिल आदि। इन्हां सारयां ने दिवाली दे त्यौहार मौके अपने खून दे दीवे पाले ते इन्हां नूं काली दिवाली मनाउण लई मजबूर होना पिया है। हुण इस मामले नूं लै के अकाली दल दे लीडर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मुख मंत्री भगवंत मान नूं सिद्धे होए ने। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने लिखिया, मुख मंत्री साहब दिवाली तां लंघ गई, मुलाजम वर्ग ने तां काली दिवाली ही मनाई। आ तुहाडा एक गिफ्ट कोल है तुहाडे अनमोल हीरे दा, समां देण दी कृपालता करो तां जो आप जी की अमानत तुहानूं दित्ती जा सके। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आप जी की अमानत दे विच आप नूं इस तरीके नाल लिखा कि आम आदमी पार्टी इस तो साबित हो रहा है, इस तो लग रहा है कि वो आप जी नूं भगवंत मान नूं नहीं बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी नूं कह रहे हैं कि उन्हां दी अमानत उन्हां नूं दित्ती जा सके। इस तरीके दे नाल उन्होंने एक व्यंगमई तरीके दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान ते तंज कसिया। इस बार बंदी छोड़ दिवस मौके ज्ञानी रघुबीर सिंह जो कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने, इन्होंने एक खास हुक्म जारी किया है। श्री हरिमंदर साहिब के दर्शनी द्योड़ी तो इन्होंने संगत के नाम से एक संदेश जारी किया है कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी कमेटी ते होर सारिया सिख जथेबंदियां इन्हों यह संदेश दिता है कि समूह बंदी सिंघां दी रिहाई लई ते खास करके भाई बलवंत सिंह राजवाणा दी फांसी दी सज़ा नूं उम्र कैद दे विच तब्दील कराउण लई जो भी गतिविधियां कीतियां जा रही ने, जिन्हें भी यतन किए जा रहे ने उन्हां नूं होर तेज़ किया जाए ताकि जल्दी तो जल्दी इन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई करवाई जा सके। भाई बलवंत सिंह राजवाणा उन्हां दी फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद दे विच तब्दील करवाया जा सके। हालांकि भाई राजवाणा ने एक चिट्ठी लिखी है श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी नूं, उन्होंने इस चिट्ठी दे विच ये अपील की है, इंज समझ लो कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कोई भी रहम की अपील नहीं चाहिए, कोई भी पटीशन जड़ी उन्होंने पाई है इस उम्र कैद की सज़ा वास्ते इनू वह वापस ले लैन ते वो अपने जिहड़ी सज़ा जिहड़ी भी सज़ा उन्होंने मिली है उन्होंने कहा कि मैं जो भी कार्ज किए ने सिख पंथ लई मैं उत्ते डटिया होया ते मैं हस के अपनी सज़ा भुगतांगा। ये भाई राजवाणा ने अपील की है पर हुण दर्शनी ड्यूटी तो जथेदार साहब ने यह कहा कि इन्हां दी फांसी दी सज़ा नूं उम्र कैद दे विच तब्दील करवाउण दे लई यतन किए जाण। इस बार श्री हरिमंदर साहब विखे बंदी छोड़ दिवस बड़ी धूमधाम ते उत्साह दे नाल मनाया गया। बंदी छोड़ दिहाड़े संबंधी गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल विखे एक गुरमति समागम करवाया गया। इस समागम दे विच रागियां, ढाडियां, कविशरी जथियां, कवियां ते सिख प्रचारकां ने एक गुरबाणी कीर्तन राहीं अपनियां कवितावां राहीं अपनियां वारां राहीं इन्हां ने सिख इतिहास बारे संगतां नूं जाणू करवाया।